जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं संचित सक्सेना। भाई आज है मेरे सामने यहां पे खड़ी हुई नेक्सा की बेलिनो। भाई बेलिनो में अगर मैं बात करूं, हमें टोटल चार वेरिएंट देखने को मिलते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा। और यहां पे अब हमें सीएनजी का भी ऑप्शन यहां पे बेलिनो पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, जो कि हमें डेल्टा और जीटा से देखने को मिलता है। और आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ भाई, ये जो सीएनजी का मार्केट है ना, कॉन्टिन्यूस एक ग्रोइंग मार्केट है। इसके साथ भाई बैटरी की गाड़ी ले लो, पेट्रोल ले लो या डीजल ले लो, लेकिन अगर मैं बैटरी और सीएनजी को आमने सामने रखूँ, कहीं ना कहीं सीएनजी का ऑप्शन ज़्यादा प्रैक्टिकल है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक कार। उसका रीज़न यही है कि देखो, यहाँ पे आपको बाई फ्यूल मिल रहा है, मतलब पेट्रोल भी मिल रहा है कि सीएनजी भी मिल रही है। गैस ख़त्म हो गई तो पेट्रोल पे चला लो। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे भाई सीएनजी के स्टेशन नहीं है तो अपना मस्त अपना 1200 सीसी का इंजन है, मस्त अपना दौड़ाते हुए लेके जाओ। आज की इस वीडियो में ना हम लोग बेलिनो की बात करने वाले हैं सीएनजी वेरिएंट में, कि गाड़ी में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और आपको बता दूं भाई, ये मेरे सामने वेरिएंट है 2023 का वेरिएंट, जिसके अंदर मारुति ने अब कंपलसरी कर दिया है बेलिनो और स्विफ्ट के पोर्टफोलियो पे ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट कंपलसरी स्टैंडर्ड कर दिया है अपने सारे वेरिएंट्स में। तो एक ये मारुति की तरफ से बहुत अच्छी पहल है जो कि यहाँ पे मारुति ने करी है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट से। फ्रंट में अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे ये प्रोजेक्टर लैंप्स देखने को मिल रहे हैं, लो बीम हाई बीम के लिए, साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में। और लैम्प में अगर मैं बात करूँ, कुछ इस तरीके से क्रोम इंसर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो गाड़ी की ग्रिल है भाई, क्रोम फिनिशिंग की ग्रिल है, कुछ इस तरीके से हमें सुजुकी का बेज हमें यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है। और इसके साथ भाई यहाँ नीचे हम देखें तो यहाँ पे फॉग लैम्प के लिए एक यहाँ पे कैविटी दे रखी है मैट फिनिशिंग के अंदर, ये पार्ट्स हमें यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहे हैं। यहीं अगर हम बात करें यहाँ पे साइड से, तो साइड में अगर हम देखें तो ये यहाँ पे अपोलो के टायर आ रहे हैं 15 इंच के, हमें ये यहाँ पे टायर देखने को मिल रहे हैं, जिसमें व्हील कवर के साथ ये गाड़ी आती है। तो सिल्वर कलर के इसमें व्हील कवर हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। और आपको एक चीज़ बताऊं, गाड़ी का व्हील बेस भाई 2520 mm का हमें यहाँ पे बेलिनो का व्हील बेस देखने को मिल रहा है। तो व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, स्पेस के हिसाब से भाई काफ़ी अच्छी गाड़ी है। इसके साथ ये जो ORVM है ना, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM हमें यहाँ पे इस गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ भाई ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी ORVMs हैं। साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में कुछ इस तरीके से ये हमें ऐसा हमें देखने को मिल रहे हैं। ए पिलर हमें मैट फिनिशिंग में, बी पिलर हमें मैट फिनिशिंग में, कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। बात करते हैं गाड़ी के फ्यूल टैंक की। तो यहाँ पे अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो भाई यहाँ पे पेट्रोल का जो फ्यूल टैंक है ना, 37 लीटर का पेट्रोल का फ्यूल टैंक है, और CNG भाई 55 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी है CNG की यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो आपको मैं दिखाऊँ भाई, ये है कुछ CNG का टैंक, बहुत अच्छे से मैनेज है। तो ये है भाई यहाँ पे CNG में अगर मैं बात करूँ ना, बहुत अच्छा फिट एंड फिनिश के साथ में ये हमें यहाँ पे गाड़ी देखने को मिल रही है। आप इसका यहाँ पे स्टैंड देखिए, कुछ इस तरीके से ये हमें ऐसा देखने को मिलेगा। स्पेयर व्हील के लिए कुछ ये है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सेटअप है। इसके साथ ये यहाँ पे सोलेनाइट वॉल इधर लगी हुई है, जिससे क्या है, अगर इनकेस लीकेज होगी ना ऑन द स्पॉट, वो वॉल शट ऑफ हो जाएगी। और मैनुअली ये शट ऑफ करने का तो होता ही है यार, हर CNG की गाड़ी में जैसा कंपनी फिटेड होती है। तो ये कुछ हमें ऐसा देखने को यहाँ पे स्पेस मिल रहा है। अब एक बार ना यहाँ पे रियर में देखते हैं तो ये कुछ हमें ऐसा स्पॉयलर देखने को मिल रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स के साथ CNG का बेज। और बेलिनो में अगर मैं बात करूँ, कुछ इस तरीके से LED लैंप्स हमें देखने को मिल रहे हैं साइड टर्न इंडिकेटर के साथ में। नीचे रिफ्लेक्टर आ रहे हैं, रियर पार्किंग सेंसर्स हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ ऐसे। अब एक बार मैं गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ, आपको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं कि अंदर से ये गाड़ी है कैसी। तो गाड़ी के अंदर आ गए, कुछ इस तरीके से ये पार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ड्यूल टोन में ये कुछ फिनिशिंग है इसकी, इसके साथ ये कुछ इसकी फिनिशिंग है, इसके साथ ये यहाँ पे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक ORVM के लिए है, ये फोल्डेबल के लिए, ऑटो अप और ऑटो डाउन के फीचर के साथ ये गाड़ी कुछ हमें ऐसे देखने को मिल रही है। बता दूँ आपको, 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं और ये कुछ गाड़ी की चाबी है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी की हमें सेंटर लॉकिंग के साथ कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। ये यहाँ पे आ रहा है पार्ट ट्रैक्शन कंट्रोल का, ऑन और ऑफ करने का, प्लस CNG को स्विच करने का, पेट्रोल से CNG या CNG के उसके लिए। ये हेडलैम्प लेवलिंग एडजस्ट का, यहाँ पे स्टेयरिंग जो हमें देखने को मिल रहा है ना, डी टाइप स्टेयरिंग देखने को मिल रहा है। तो नीचे से आप देखो काफ़ी फ्लैट है, तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, स्टेयरिंग ना, मतलब अगर कोई एक ऐसा हेल्दी बंदा बैठा हुआ है ना, तो उसका ऐसा नहीं है कि स्टेयरिंग उसके पेट पर लगेगा,
बहुत इजीली वो इस टाइप के स्टेयरिंग को टर्न कर सकता है। प्लस स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल हमें गाड़ी में देखने को मिल रहे हैं और 5 स्पीड का ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ हमें ये गाड़ी देखने को मिलती है। भाई आपको एक चीज़ और बताऊँ, बेलिनो पोर्टफोलियो में ना बेस वेरियंट से आपको ऑटो एसी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ऑटो एसी के साथ ये म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन का आ रहा है जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले से लेस है। साथ ही साथ ये भाई स्पेस है, आप स्पेस देखो तो यहाँ पे 12 वोल्ट का है चार्जिंग का, यूएसबी कप होल्डर, ये कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है। और ये है गाड़ी का DIS, तो DIS एक बार स्टार्ट करते हैं, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है। सो ये कुछ इस तरीके से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, तो नीट एंड क्लीन पेट्रोल CNG आमने सामने कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है। प्लस ये हमें म्यूजिक सिस्टम और यहाँ पे ग्लोब बॉक्स देख लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा ग्लोब बॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ये पार्ट रहा एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ ये गाड़ी आ रही है, इसके साथ IRVM मैनुअली एडजस्टेबल है। प्लस रियर में सेकेंड रो एक बार देखते हैं, तो गाड़ी को बंद किया जाए, आ गए सेकेंड रो में। तो भाई सेकेंड रो कुछ ये 60-40 स्प्लिट सीट के साथ हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रही है। बता दूं भाई 60-40 ना स्प्लिट जो आता है वो CNG में ही आता है, इसका अगर ये पेट्रोल वाली होती ना तो उसमें नहीं आता हमें, ये 60-40 हमें देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। और एक चीज़ और रह गई ना भाई, ये कुछ हमें चार्जिंग का पॉइंट ऐसा देखने को मिल रहा है, प्लस ये कैविटी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके इंजन भी देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से 2023 का इंजन का सेटअप है। तो भाई ये कुछ हमें इंजन देखने को मिल रहा है गाड़ी में, यहाँ पे BS6 का 4 सिलेंडर 1200 cc का हमें यहाँ पे इंजन देखने को मिल रहा है, जिसकी पावर पेट्रोल पे 88.5 bhp है और यहीं पे टॉर्क जो हमें देखने को मिल रहा है 113 newton का हमें ये टॉर्क देखने को मिल रहा है। भाई बता दूँ CNG पे अगर मैं पावर की बात करूँ ना तो वो 76.43 bhp की पावर रहेगी, तो CNG पे थोड़ा सा ड्रॉप हो जाती है, बट आप इसका गाड़ी का फिट एंड फिनिश देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये यहाँ पे फ्रंट का इंटेक मेन फोल्ड हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ये यहाँ पे पानी का हो गया वाटर का, प्लस ब्रेक ऑयल, बैटरी, फ्यूज़ बॉक्स, और ये यहाँ पे गाड़ी का ECM कुछ इस तरीके से। सो ये रहा मेरी तरफ से, दैट्स ऑल फॉर माई साइड। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में बताओ, क्या ओपिनियन है आपका भाई ये गाड़ी के लेके मेरे को कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं हूँ संचित सक्सेना, जय हिंद।